नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सुवसाहुणम अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस को अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। बहुत ही गजब का ग्रंथ और गजब के प्रश्न पूछे गए हैं गुरुदेव श्री को और गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। उसमें हम सबसे पहला जो अधिकार है भगवान आत्मा, उस पर हम आए हैं, उस पर हमारी चर्चा हो गई है 8वें नंबर के प्रश्न तक। बराबर हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 9वें नंबर के प्रश्नों के ऊपर, 9th नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया कि यदि आत्मा आत्म स्वभाव सुख का सागर है तो वर्तमान में उस सुख का अंश भी अनुभव में क्यों नहीं आता है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा सुख का सागर है ना, गुरुदेव बार बार अपने प्रवचन में बोलते हैं कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान और आनंद स्वभावी है। भगवान की संधि भी गुरुदेव छोड़ते थे, भग प्लस वान, भग माने ज्ञान और आनंद और वान माने लक्ष्मी, ज्ञान आनंद लक्ष्मी सहित जो वस्तु है उसे भगवान कहते हैं। क्या कही भगवान की परिभाषा, फिर से बोलती हूँ, भग माने ज्ञान आनंद और वान माने लक्ष्मी, वान माने लक्ष्मी, ज्ञान आनंद की लक्ष्मी सहित जो होता है उसे भगवान कहते हैं, उस आत्मा को भगवान कहा। तो यहाँ प्रश्न किया कि भाई आप कह रहे हो आत्मा सुख का सागर, सुख का गोदाम, सुख का संग्रहालय, तो फिर वर्तमान में उस सुख का अंश भी अनुभव में क्यों नहीं आता है। तो देखो गुरुदेव ने जवाब दिया, आत्मा सुख का सागर होने पर भी उसने राग में एकत्व बुद्धि अनादि काल से बना रखी है। किसमें बना रखी है? राग में, है ना। सुख का गोदाम होने पर भी वो उस सुख स्वरूपी आत्मा पर उसकी दृष्टि नहीं है। तो लिखो उसकी दृष्टि किस पर है, तो उसकी दृष्टि तीन चीजों के ऊपर, गे के ऊपर, परगेयों के ऊपर, शरीर के ऊपर और राग के ऊपर। इसीलिए उसे अनादि काल से जो सुख स्वभावी आत्मा है उसकी दृष्टि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुंह में पान पराग रखा है, मुंह में तंबाकू रखा है और वो रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहता है, बोलो उसको रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बेटा खुशी बेटा आएगा कि नहीं आएगा? तो कहते नहीं आएगा। बराबर समझ में आ रहा है माही बेटा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या है? तंबाकू है, है ना। जैसे भाई दो चींटी थी, तो एक चींटी ने भाई नमक की पूरी वो ढेर पड़ी थी, नमक का ढेर था, तो उसने मुंह में नमक की डाली रखी थी। और फिर दूसरी चींटी आई तो उसने कहा कि चलो चलो अपन जाते हैं शक्कर के ढेर के ऊपर, शक्कर का स्वाद, शक्कर को खाने के लिए। तो उसने मुंह में क्या रखा था? नमक की डाली। अब वो शक्कर का स्वाद ले सकती है कि नहीं? क्यों नहीं ले सकती है अदिति बेटा? क्योंकि मुंह में नमक था, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि अगर जब तक राग के साथ एकत्व बुद्धि होगी तब तक हमें अपना भगवान आत्मा के क्या नहीं हो सकते हैं? दर्शन नहीं हो सकते। क्लियर। इसलिए देखो गुरुदेव ने लिखा, कहा कि या एकत्व बुद्धि अनादि काल से बना रखी है, इसलिए स्वभाव से सुकांश प्रकट नहीं होता है। राग के साथ एकत्व बुद्धि का धागा तोड़कर उससे भेद ज्ञान करे तो स्वभाव में सुख का अंश प्रकट हो जाए, है ना। आप लिख सकते हैं गुणस्थान, देखो सबकी सुख की क्वालिटी सेम, जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि और सिद्ध भगवान के सुख की क्वालिटी में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। बराबर क्वालिटी में अंतर नहीं है, परंतु किस में अंतर है? निर्जरा श्रुति बेटा बोलो किस में अंतर है?
क्वांटिटी में, क्वांटिटी है ना, दिशा अनन्या, उसके बाद में जिया, बोलो किसमें अंतर, क्वांटिटी। तो लिखो चौथे गुणस्थान में है आंशिक सुख, चौथे गुणस्थान में है आंशिक सुख, पंचम गुणस्थान में है विशेष सुख, छठे सातवें गुणस्थान में है प्रचुर आनंद, प्रचुर आनंद है ना। तीन गुणस्थानों की चर्चा हमने की, कौन से तीन चौथे में है बताओगे, अनुष्का आंशिक सुख, पांचवे में विधि विधान विशेष सुख, छठे सातवें में प्रचुर आनंद, प्रचुर आनंद। फिर आगे लिखो ग्यारहवें बारहवें में पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, तेरहवें में है अनंत सुख, तेरहवें चौदहवें में, और सिद्धों को है अव्याबाद सुख, सिद्धों को है अव्याबाद सुख। साथ के आगे वही प्रचुर आनंद, मुनि दशा के गुणस्थान है ना, छह से दस तक लिखो प्रचुर आनंद, ग्यारहवें बारहवें में पूर्ण सुख, तेरहवें में अनंत सुख, तेरहवें चौदहवें में, और सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख। क्लियर? ऐसे सुख की वृद्धि होती जाती, क्वांटिटी बढ़ती है परंतु क्वालिटी, क्वालिटी सबकी बराबर। हाँ, अब इसमें एक चीज और लिख लो, क्योंकि देखो अज्ञानी की भूल ये है कि वो सुख संयोग से सुख मानता है। तो लिखो ना संयोग में से कभी सुख मिलेगा, ना स्वर्ग में से सुख मिलेगा, ना क्षेत्र बदलने पर सुख मिलता है, ना संयोग में से सुख, ना क्षेत्र में से सुख, ना स्वर्ग में से सुख मिलेगा, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं, इसलिए मुझे कभी वहां से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जहां सुख है वहां से मुझे मिले, कहा सुख है तो कहते आत्मा सुख का सागर है, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर क्या होगा, सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। क्लियर? आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे चौथे गुणस्थान में सुख का अंश प्रकट हुआ तो आप लिखना चक्रवर्ती को छह खंड की संपदा होने पर भी आप लिखो कि वो गोबर समान लगती है। किसके समान? है ना, चक्रवर्ती का जी छह खंड के वैभव है परंतु सुख का अंश, अतीन्द्रिय सुख का अंश, सच्चे सुख का अंश प्रकट हो गया तो उनको वो छह खंड किसके समान, नाक के मैल के समान लगता है। दो वाक्य लिखे ना वो कांच के मंदिर में, क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के वो कागवीत समग्रते है सम्यक दृष्टि। ये आपको आई होप आंसर बराबर समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, दसवां, पर्याय में प्रभुता कैसे प्रकट। अब किसी ने पूछा कि भाई साहेब आप तो कहते हो मैं प्रभु हूँ, हूँ परमात्मा छू, परंतु पर्याय में अभी पामरता का क्यों अनुभव हो रहा, पर्याय में प्रभुता क्यों प्रकट नहीं हो रही। तो देखो गुरुदेव कितना सुंदर कहते हैं, तू रागादि से निर्लेप स्वरूप है, तू कैसा है, रागादि, रागादि में सब आ गया, क्या क्या आया, और शरीर कर्म संयोग सबसे मैं कैसा हूँ, निर्लेप, निर्लेप है ना, माने मैं कभी इन संयोग वाला हुआ ही नहीं, कषाय उत्पत्ति हो उसे मात्र जानना यही तेरी प्रभुता है, माने जो कुछ भी हो रहा है बस ये आत्मा का काम तो जानना ही है। राग हुआ तो भी आत्मा क्या कर रहा है, जानना, द्वेष हुआ तो भी आत्मा क्या कर रहा है, बराबर, पाप का उदय आया तो भी आत्मा, पुण्य का उदय आया तो भी आत्मा जान रहा है, शरीर कैसा भी हो तो भी आत्मा, माने मेरा काम तो क्या है, जानना है। कषाय में एकत्व बुद्धि करके निजत्व स्थापित करना यही तेरी प्रभुता, ये तेरी प्रभुता, माने लिखो कषाय करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, कषाय करना क्या नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि कषाय है विभाव भाव और जानना मेरा स्वभाव, कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं और जानना मेरा स्वभाव। भाई तू निर्दोष वस्तु है, तुझे कषाय का लेप लगा ही नहीं है, ओ
क्या कह रहे गुरुदेव, तू निर्लोय निर्लेप स्वरूपी है, तुझे कभी कषाय का लेप लगा ही नहीं है। माने आप उसमें लिख सकते हो कि अनंत बार ये जीव नरक में गया, वहां पे काटा गया, पीटा गया, मारा गया, टुकड़े टुकड़े शरीर के हो गए, परंतु बोलो भगवान आत्मा को क्या हुआ? वो तो ज्योका त्यो। पूज्य बेन श्री कहते हैं कि जैसे कंचन को काट नहीं लगता, अग्नि को उधई नहीं लगती, ऐसे भगवान आत्मा को कभी भगवान आत्मा में कभी अशुद्धता आती नहीं। ऐसे बेन श्री दो दृष्टांत देते हैं, कंचन को काट नहीं लगता, वो एक जीवात होती है, उदई हो जाते हैं कबट वगैरह में, नहीं तो आप क्या बोलते हो हिंदी में, काट माने जंग है ना, और उदय वो कबट वगैरह में नहीं हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली बराबर। तो जैसे भाई है ना, तो ऐसे पूज्य बेन श्री कहते थे कि भगवान आत्मा में तीन चीज नहीं है, अशुद्धता, अपूर्णता और आवरण। आत्मा में तीन चीज नहीं है, अशुद्धता, अपूर्णता और आवरण। अनुश्री बेटा समझ में आ रहा है? अनुश्री ना अंशिका, भगवान आत्मा में तीन चीज नहीं, अपूर्णता, आवरण और अशुद्धता। अब एक दृष्टांत से समझा रहे हैं, जैसे स्फटिक मणि में पर का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही कषाय भाव, विभाव भाव ज्ञान में आते जाते हैं, वे तेरे में प्रविष्ट नहीं हो जाते, तू तो निर्लेप है। क्या बताया? देखो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि होता है, रत्न होता है, रत्न, उसमें क्या होता है, सब कुछ झलकता है, परंतु स्फटिक मणि में प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसमें किसी का प्रवेश नहीं। ऐसे कह रहे कि भगवान आत्मा में कषाय भाव, विभाव भाव आते जाते हैं, झलकते हैं ज्ञान में, परंतु उसमें भगवान आत्मा में इन सब का प्रवेश नहीं। दर्पण का दृष्टांत एकदम समझ में आता है, दर्पण में सब कुछ झलकता है परंतु दर्पण में किसी का प्रवेश नहीं। ऐसे मेरे ज्ञान का स्वभाव। व्रत आदि के विकल्प आते हैं, वे तो इस ज्ञायक से भिन्न सहयोगी भाव, ज्ञायक की जाति के नहीं है। आप लिखो, तीन बात लिख सकते हो, संयोग, सहयोगी भाव और स्वभाव भाव। तीन चीजें होती है, संयोग, सहयोगी भाव और स्वभाव भाव। संयोग माने ये नौ कर्म, ये सारे संयोग है, द्रव्य कर्म भी संयोग। इन संयोग के लक्ष्य से जो कषाय भाव होते हैं उसे कहते हैं सहयोगी भाव, और आत्मा के लक्ष्य से जो निर्मल परिणाम होते हैं उसे कहते हैं स्वभाव भाव। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहा ज्ञायक की जाति से ये सहयोगी भाव कैसे हैं, अलग है, अत कु जाति के है, पर जाति के है, पर गे है, स्व जाति या स्व गे नहीं है। देखो सहयोगी भाव के लिए कितने नाम दे दिए, सहयोगी भाव है, को कु जाति वाले भाव, पर जाति वाले भाव, या पर गे या विभाव भाव, इतने नाम आए, कितने नाम कौन बताएगा, चार नाम सहयोगी भाव के लिए, बोलो विधि बेटा। नहीं भी, सहयोगी भाव के लिए तो इतने ही बस, और ज्ञायक भाव के लिए दो नाम, कौन से, स्वजाति और स्वगे। मेरा पारनामिक भाव के दो नाम, स्वजाति और स्वगे, इनसे वो विकारी भाव कैसे भिन्न है। माने गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान आत्मा तो झोंकते हो निगोद में, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार, परंतु आत्मा को कुछ हुआ के नहीं, नहीं वो तो झोंका। सोना पड़ गया, सोना चाहे भाई, सोना आप चाहे प्लास्टिक में रख दो, सोना चाहे आप भाई पित्तल में रख दो, सोना चाहे आप कीचड़ में रख दो, सोना चाहे आप लकड़े में रख दो, बोलो सोने को कुछ हुआ के नहीं, सोना तो ऐसे ऐसे दृष्टि का जोर, स्वभाव का जोर दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए परंतु मेरे स्वगे में, मेरे स्वगे में, मेरी स्वजाति में, मेरे स्वभाव में कुछ हुआ ही। अब तू ज्ञायक निर्लेप प्रभु है,
इस प्रभुता का अंतर में विश्वास करने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट हो जाती है। क्या करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा? गायक तो पूरा का पूरा है, प्रभु तो पूरा का पूरा है, परंतु क्या करना पड़ेगा? विश्वास। जैसे हमें दूसरों के ऊपर भार में विश्वास आ जाता ना, ऐसे आचार्य कह रहे कि तू कर विश्वास। लिखो आप एक वाक्य, जिसका करना था अविश्वास उसका करते हैं विश्वास। माने संयोग का करना था अविश्वास परंतु उसका करते हैं विश्वास, और आत्मा का करना था विश्वास उसका करते हैं अविश्वास। संयोग की करनी थी अरुचि परंतु उसकी करते हैं रुचि, और आत्मा की करनी थी रुचि उसकी करते हैं अरुचि। संयोग का करना था अनादर उसका करते हैं आदर, और भगवान आत्मा का करना था आदर और उसका कर देते हैं अनादर। और एक और चीज, संयोग का करना था विस्मरण उसका बार बार स्मरण करते हैं, बार बार याद करते हैं ना, पैसे को याद करते हैं, शरीर को याद करते हैं, मम्मी पापा को याद करते हैं, घर को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, बंगले को याद करते हैं, इनका तो करना था विस्मरण परंतु इनका करते हैं, और आत्मा का करना था स्मरण और उसका कर देते हैं। ये बड़ी में बड़ी भूल कर रहे हैं ना आदिकाल से, इसलिए हम ये चार गति के धक्के ठोकर नरक निगोद के चक्कर खा। क्लियर, बराबर। आगे बढ़े अब 11वें नंबर का प्रश्न, आत्म वस्तु तो अव्यक्त है, भगवान आत्मा कैसा? फिर जानने में कैसे आवे? देखो दो चीज है, पहले तो दो चीज लिख दो, पर्याय व्यक्त और आत्मा अव्यक्त। व्यक्त कौन है? व्यक्त कौन है? पर्याय। और आत्मा कैसा है? अव्यक्त है ना, क्योंकि जानना 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 प्रकट ख्याल आ रहा है, इसलिए पर्याय है व्यक्त और आत्मा है अव्यक्त। तो यहाँ पे प्रश्न किया कि भाई तो फिर हम आत्मा जाने कैसे, जो अव्यक्त है जो दिखी नहीं रही, और आप बार बार कह रहे हो कि तू आत्मा है तू आत्मा है तू आत्मा है, विश्वास कर विश्वास कर, परंतु अव्यक्त है ना, जाने कैसे? जो चीज दिखे उसका तो तुरंत हो जाता है विश्वास, आत्मा तो दिख नहीं रहा ना, तो हम विश्वास कैसे करें, जाने कैसे? तो देखो गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं, वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है। अभी कहा ना पर्याय क्या है, कौन सी पर्याय? लिखो जानने जानने की पर्याय, जानने जानने की पर्याय की बात है, जानने जानने की पर्याय, ज्ञान की जो पर्याय लक्षण है अपना, वो पर्याय व्यक्त है प्रकट है। वह पर्याय कहाँ से आती है, अब नक्की करो। देखो अव्यक्त को पकड़ना है ना, अब गुरुदेव नक्की करा रहे कि वो जो जानने जानने की पर्याय व्यक्त है वो आती कहाँ से है, कहाँ से आती है? कोई वस्तु है उसमें से आती है या कई अधर में से आती है? बोलो, कुछ तो उसका आधार होगा ना, कि जहां से वो आती होगी वो ऐसे कहीं से आती होगी, तो कहते नहीं। अब उसके लिए गुरुदेव एक दृष्टांत देते, जैसे तरंग, लहर, लहर, तो आप मुझे बताना लहर है तो लहर का कोई बेस तो होगा कि नहीं, आधार कौन है? समुद्र, पानी है ना, तो लहर के ऊपर से हमने किसका भी नक्की किया, विश्वास किया, पानी का, समुद्र का। ऐसे कह रहे हैं कि जानने जानने की पर्याय आती कहाँ से? आत्मा में से, है ना। लिखो जानने वाला कौन, जानने वाला कौन, तो लिखो इज इक्वल टू आत्मा। तो जानने की पर्याय पर से हमने किसका निर्णय किया? आत्मा का निर्णय किया, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भाई मिठास कही, तो मिठास पर से आपको क्या पता चल गया? बराबर, क्लियर, पूरी शक्कर का निर्णय हो गया। ऐसे यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जानने जानने की पर्याय पर से किसका निर्णय हो जाता है? गायक का, आत्मा का, क्योंकि वो पर्याय आती है आत्मा में से। जानने वाला कौन है? आत्मा है, इसीलिए आत्मा अव्यक्त होने पर भी, अव्यक्त होने पर भी क्या क्या हो जाता है? आत्मा पर्याय में व्यक्त हो जाता है। पानी में से आती है या कहीं अधर में से आती है,
उसी भांति पर्याय है, वह अधर में से नहीं आती अपितु वस्तु अव्यक्त शक्ति रूप है उसमें से आती है। कहाँ से आती है? वस्तु अव्यक्त शक्ति रूप है उसमें से आती है। बराबर के नहीं? नक्की करना है। देखो आप लिखो, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। ज्ञान और आत्मा जहां जानने जानने की पर्याय है वहां नियम से आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां जानने जानने की पर्याय है, क्योंकि ज्ञान जानना और आत्मा तादात्म्य है। तादात्म्य माने, तादात्म्य माने एक में, एक में अलग नहीं है, अलग नहीं है। बराबर? जानना जानना और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। तो हमने क्या कर लिया? जानने जानने से किसको पकड़ लिया? अव्यक्त आत्मा को पकड़ लिया। व्यक्त पर्याय अव्यक्त आत्म शक्ति को व्यक्त करती है। मैंने अभी कहा ना, अभी अव्यक्त था आत्मा, परंतु व्यक्त पर्याय ने आत्म शक्ति को क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। जानने जानने की पर्याय से हमने किसको पकड़ लिया? एक सूर्य की किरण दिखी तो वो किरण से हमने किसका निर्णय कर लिया? सूर्य का। मेरा हीरा गुम गया था, बोलो। एक हीरा गुम गया था तो भाई पूरे घर में ढूंढ रही थी, परंतु जहां वो कचरे में से वो हीरे की किरण दिखी तो किसका निर्णय हो गया? पूरे हीरे का हो गया ना, कि ये रहा, मिल गया हीरा, है ना, ये हीरा ही है। ऐसे कह रहे कि जानने जानने की पर्याय व्यक्त है, और उस व्यक्त पर्याय से किसका निर्णय हो जाता है? अव्यक्त आत्मा। क्योंकि दो कारण हमने लिखे, क्या कारण लिखे? एक तो जानने जानने की पर्याय अधर से नहीं आती है, आत्मा में से आती है, एक तो ये, और दूसरा कि जानने जानने की पर आत्मा के बीच में तादात्म्य संबंध है। बराबर? उसका अस्तित्व बताती है, वो आत्म द्रव्य का अस्तित्व बताती है। आगे जाते हैं, अपन जाते हैं 12 नंबर के प्रश्न के ऊपर। ज्ञान सो आत्मा, ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान क्यों कराई? क्यों कराई? ज्ञान के माध्यम से आत्मा की पहचान क्यों कराई? जीव का मूल प्रयोजन तो आनंद को प्राप्त करना है ना, तो फिर ज्ञान को हर बार क्यों मुख्य करते हो? ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, हर जगह ज्ञान 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 ज्ञान, कहीं ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि आनंद सो आत्मा? ऐसा कहां, क्यों कहीं लिखा नहीं जाता आनंद सो आत्मा? तो लिखो जवाब में, पहले तो लिखो, ज्ञान आत्मा का लक्षण है और आनंद आत्मा का प्रयोजन है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है और आनंद आत्मा का प्रयोजन है। बराबर? क्या है ज्ञान और आत्मा? आनंद प्रयोजन है। बराबर? लिखो, आनंद तो फल है। आनंद क्या है? फल है। संवर तत्व का लक्षण है आनंद, जो है वो फल है, अनुभूति का फल है, संवर तत्व का लक्षण है। मेरा आनंदमयी वस्तु का आश्रय लेने पर आनंद की पर्याय प्रकट होती है। आनंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेने पर आनंद की पर्याय प्रकट होती है। संवर तत्व का क्या है? लक्षण है, संवर तत्व का लक्षण है। और जो ज्ञान है ना, ज्ञान लक्षण, जानना जानना, वो तो हमेशा प्रकट है, हमेशा प्रकट है। किसी को भी, कोई भी जीव हो, निगोद का जीव हो तो भी जानना जानना तो है कि नहीं, प्रकट है। परंतु आनंद लिखना सबको प्रकट नहीं है, अभी हमें दुख की पर्याय प्रकट है, आनंद नहीं, पर जानना जानना सबको, सबको। इसीलिए ज्ञान, ज्ञान वो आत्मा ऐसा बताया गया, ज्ञान सो आत्मा, क्योंकि ज्ञान हमेशा प्रकट, आनंद हमेशा प्रकट नहीं होता है। ठीक है ना? अब देखो अपन गुरुदेव का पढ़ते, गुरुदेव क्या कहते हैं। आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान सो आत्मा इस प्रकार कहा, उसका कारण यह है कि ज्ञान तो प्रकट अंश है। ज्ञान क्या है? प्रकट है, कभी ज्ञान बंद नहीं होता है, जानना जानना बंद नहीं हो जाए। अगर जानना जानना बंद हो जाए तो क्या हो जाए? जीव जड़ हो जाए, अजीव हो जाए। इसीलिए अंश है, वर्तमान में विद्यमान है, और आनंद का अंश, बोलो, अज्ञानी को प्रकट है कि नहीं?
नहीं, उसको तो दुख प्रगट है, दुखी पर्याय प्रगट है, सुख का नहीं, सुख की पर्याय प्रगट नहीं है। अब प्रगट तो आकुलता है, इसीलिए ज्ञान के प्रगट अंश द्वारा ही आत्मा की पहचान कराई जाती है। क्या कराई जाती है? आप लिखो दो जीव, अज्ञानी और ज्ञानी, एक कॉलम कर दो, कॉलम, और अज्ञानी और ज्ञानी दो कॉलम कर दो, एक कॉलम और दो आपको हो गया ना कॉलम, उसमें ऊपर लिखो अज्ञानी और ज्ञानी। अब अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी ज्ञान के द्वारा परज्ञेयों को साधता है। अज्ञानी ज्ञान के द्वारा, पर प्रगट ज्ञान के द्वारा परज्ञेयों को साधता है, और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को साधता है। दोनों में अंतर। दूसरा, अज्ञानी का ज्ञान भव हेतु का कारण है, और ज्ञानी का ज्ञान भव निवृत्ति का कारण है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अज्ञानी को ज्ञान में ज्ञेयाकार दिखते हैं, और ज्ञानी को ज्ञान में ज्ञानाकार दिखते हैं। ज्ञान तो दोनों के पास सेम सेम, परंतु एक क्या करता है उस ज्ञान के द्वारा, है ना? हाँ खोल दो। और ज्ञानी क्या करते हैं, है ना? दूसरा पॉइंट क्या बताया? ज्ञानी का ज्ञान भव हेतु का कारण, और ज्ञानी का ज्ञान भव निवृत्ति का कारण, बराबर। तीसरा पॉइंट, और ज्ञानी को ज्ञान में, है ना? इसीलिए ज्ञानी को आनंद का अंश प्रगट है, और अज्ञानी को आनंद का अंश प्रगट नहीं है। उस ज्ञान के प्रगट अंश द्वारा ही आत्मा की पहचान कराई है। ज्ञान के प्रगट अंश को अंदर में लगाए, देखो ये, इसलिए मैंने डिफरेंस बताया। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान के प्रगट अंश को कहाँ लगाता है? अंदर, अंदर, अंदर लगाए, अर्थात एकाग्र करे, तो जिस प्रकार द्रव्य और गुण शुद्ध है, उसी प्रकार पर्याय भी कैसी हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। क्लियर? ज्ञान को कहाँ लगाना है? अंदर। और अज्ञानी कहाँ लगाता है? बाहर। इसलिए उसको कौन सा अंश प्रकट है? दुख का, और ज्ञानी को आनंद का। आत्मा को ज्ञान के अंश से पहचान करवाना, करवाने का मूल हेतु यही है, यही है, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा की पहचान कराई जाती है, क्योंकि ज्ञान सबको प्रगट है, आनंद सबको प्रगट नहीं। क्लियर? बराबर। आगे बढ़े अपन। इसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न देखो क्या कहते हैं। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मांगलिक करते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध शुद्ध है। वह शुद्ध शुद्ध दो बार प्रयोग करने का आशय क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, है ना, क्या लिखा है? दो बार द्रव्य स्वभाव को शुद्ध शुद्ध कहा। पहले तो आप शुद्ध शुद्धता के अर्थ लिखो। एक तो पहली प्रकार की शुद्धता, छह द्रव्य शुद्ध है जगत में, छह द्रव्य शुद्ध है जगत में। इसके पहले का जो है ना लक्षण बताया था ना, आत्मा का ज्ञान लक्षण है, तो आप तीन चार चीजों का लक्षण लिख लो तो आपको ख्याल आ जाएगा। आश्रव का लक्षण दुख है। आश्रव का लक्षण क्या है? दुख। आत्मा का लक्षण ज्ञान। लिखो संवर निद्रा का लक्षण आनंद। संवर निद्रा का लक्षण है आनंद, और मोक्ष का लक्षण है पूर्ण आनंद। बराबर, चार चीजों का लक्षण बता दिया। और अजीव कुद्दिकल का लक्षण, बहुत बढ़िया, तो आपको हो गया पांच चीजों का लक्षण ख्याल आ गया। कौन बताएगा? जीव का लक्षण ज्ञान, है ना? आश्रव का, आश्रव बंध का दुख, संवर निद्रा का आनंद सुख, मोक्ष का पूर्ण सुख, और अजीव का माने कुद्दिकल का स्पर्श रसगन वर्ण। अब देखो शुद्ध शुद्ध का पहला अर्थ लिखो। शुद्ध का सारे छह द्रव्य शुद्ध है, सभी छह द्रव्य शुद्ध है। शुद्ध की पहले परिभाषा लिखो, मिलावट रहित, मिलावट से रहित होना उसका नाम शुद्ध है। मिलावट से रहित होना उसका नाम शुद्ध है। कोई प्रकार की मिलावट ना हो उसे शुद्ध कहते हैं। अब पहली शुद्धता का अर्थ, छह द्रव्य जगत में छह द्रव्य शुद्ध है। क्यों? तो
क्योंकि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर सकते। दूसरी शुद्धता, सात तत्व शुद्ध है। सात तत्व भी शुद्ध है, क्यों? क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता, एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता। फिर लिखना संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय, ये प्रगट शुद्ध है। प्रगट शुद्ध संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय प्रगट शुद्ध है। और चौथे नंबर की शुद्धता लिखना जीव द्रव्य, जीव द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। उसके लिए समय साध में शब्द आता है प्रागेव शुद्ध, माने क्या? माने अनादि से शुद्ध है, स्वयं से शुद्ध है। किसी ने शुद्ध किया नहीं है, उसको कहते हैं प्रागेव शुद्धता। जैसे सीता सती जी ने अग्नि परीक्षा दी तो वो पवित्र हुए कि वे पहले से ही पवित्र थे, बराबर। ऐसे भगवान आत्मा पवित्र हुआ नहीं है, भगवान आत्मा पहले से ही कैसा है? शुद्ध है। चार प्रकार की शुद्धता बताई, कौन बताएगा? हाँ, प्रागेव माने अनादि से शुद्ध। पहली शुद्धता बताइए। बहुत बढ़िया। सेकंड शुद्धता, बहुत बढ़िया। तीसरे प्रकार की शुद्धता, बहुत बढ़िया। और चौथे प्रकार की शुद्धता, बराबर। जी द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, ठीक है ना? तो आप लिखना कि अब देखो, मैं पहले जैसे जवाब पढ़ती हूँ, देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। प्रथम तो पर द्रव्य से, तो एक धर्मदास शुल्लक शुल्लक थे, धर्मदास शुल्लक हो गए वे थे ना, तो वे कहते थे कि ये जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य ये सप्तम द्रव्य है, सप्तम द्रव्य। क्यों? क्योंकि छह द्रव्य को जाना किसने? जीव ने। तो वो ऐसा कहते थे कि मैं सप्तम द्रव्य, मैं कौन सा द्रव्य? सप्तम द्रव्य, ठीक है ना? तो छह द्रव्य से भी एक अलग बताते थे, ऐसे सप्तम द्रव्य को बताते थे, मैं स्वयं क्या कौन सा सप्तम द्रव्य हूँ। प्रथम तो पर द्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। ये हो गई पहली शुद्धता जो अपन ने बताई, छह द्रव्य शुद्ध, पर द्रव्य से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कैसा है? भिन्न है, इसलिए शुद्ध है। और द्वितीय राग से भी भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है, इसलिए भगवान आत्मा कैसा है? शुद्ध है। बंध और मोक्ष के विकल्प से दूरी भूत है, कौन से विकल्प से? उससे भी दूर है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत समस्त पर्यायों से आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि भगवान आत्मा चार से भिन्नता बता, चार से। पहली भिन्नता लिखो, परद्रव्य से आत्मा भिन्न है। दूसरी राग से आत्मा भिन्न है। तीसरा संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्याय से आत्मा भिन्न है। और चौथा उसमें सब आ जाएगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, गति, इन सब से भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न। चार से भिन्नता बता दी, इसलिए आत्मा शुद्ध है। चार से भिन्नता, हाँ फिर से, पहले पर द्रव्य से भिन्न, दूसरा राग से भिन्न, तीसरा संबंध निजा मोक्ष से भिन्न, बराबर, और चौथा गुणस्थान, मार्गणास्थान, गति, इंद्रियों से आत्मा। इसलिए यहाँ पे दो बार कहा शुद्ध शुद्ध, माने संपूर्णतः ही शुद्ध है। लिखो दो बार शुद्ध के पीछे आप कारण लिखो, दो बार शुद्ध माने अनंत बार, अनंत बार, बार 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 कहा कि आत्मा कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है। आत्मा कभी अपवित्र अशुद्ध हुआ ही नहीं। और लिख सकते हो, आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी शुद्ध,
आत्मा द्रव्य से भी शुद्ध, आत्मा काल से भी शुद्ध, आत्मा क्षेत्र से भी और आत्मा भाव से भी, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से भी शुद्ध, आत्मा का द्रव्य भी शुद्ध, आत्मा के अनंत गुण भी शुद्ध, और आत्मा की जो जानने जानने की लाक्षणिक पर्याय है ना वो शुद्ध है। राग की पर्याय नहीं, कौन सी लाक्षणिक पर्याय, वो भी शुद्ध। क्लियर? मैंने सारे एंगल से नक्की करो कि आत्मा कैसा है, शुद्ध। तो कौन कौन से फैक्टर्स बता दिए, कौन बताएगा कौन कौन से फैक्टर्स? सबसे पहला बताओ आत्मा बराबर भिन्न इसलिए शुद्ध, दूसरा राग से भिन्न इसलिए शुद्ध, तीसरा इसलिए शुद्ध, चौथा बहुत बढ़िया इसलिए आत्मा शुद्ध, चौथा बहुत बढ़िया और आत्मा बराबर उससे भी कैसा है, परंतु पर्याय कौन सी लाक्षणिक पर्याय, नॉट औदयिक भाव की पर्याय, लाक्षणिक पर्याय भी आत्मा की शुद्ध है। आगे 14वें नंबर का प्रश्न, मैं शुद्ध हूँ इसका अर्थ क्या है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ इसका अर्थ क्या है? देखो क्या गजब का जवाब दिया है गुरुदेव ने। सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखते ही जाओ, पॉइंट वाइज है ना, तो डबल बार बोलना नहीं होगा। सबसे पहला, नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रव बन संबंध निज मोक्ष इन नौ तत्वों से एक तंको तिन्न ज्ञायक भाव अत्यंत भिन्न होने से शुद्ध है। माने पहले पन में लिखो, आत्मा नौ तत्वों से भिन्न होने के कारण से शुद्ध है। नौ तत्वों से भिन्न होने के कारण आत्मा कैसा है, शुद्ध है। माने नरक में भी गया, मुझे आप बताओ श्रेणिक राजा नरक में है तो श्रेणिक राजा नारकी हो गए कि नहीं? क्यों? नरक में तो नारकी नहीं है, उतने समय के लिए नारकी हो गए, तो मैं तो ये पूछूं कि सैनिक राजा हुए कि नहीं हुए तो कितने नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि आत्मा तो नरक में भी कैसा शुद्ध है ना, उनको मारने के भाव हो रहे वहां पे, मार काट के प्रणाम, बोलो आत्मा अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ ना, आत्मा तो शुद्ध ही है। इसे पहले पॉइंट में लिखो, नौ तत्वों से भिन्न होने से आत्मा शुद्ध। दूसरा, साधक बाधक की पर्याय से भी आत्मा भिन्न होने से शुद्ध है। तो साधक की पर्याय माने क्या? साधक इज इक्वल टू रत्न त्रय की पर्याय और बाधक इज इक्वल टू औदेक भाव की पर्याय। छठी गाथा की भाषा में बात करें तो साधक इज इक्वल टू अप्रमत्त दशा और बाधक इज इक्वल टू प्रमत्त दशा, इनसे भी आत्मा कैसा है, भिन्न। मन औदयिक भाव से भी भिन्न और औपशमिक शैक्षमिक और शायिक भाव से भी बराबर। आगे शरीर, तीसरे नंबर पे लिखो, शरीर आदि से भी अत्यंत भिन्न। शरीर ये औदारी पांच शरीर से आत्मा भिन्न। आगे चौथे नंबर पर, संवर निर्जरा मोक्ष की शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी मैं एक टंको किन्न ज्ञायक भाव होने के कारण अत्यंत भिन्न होने से शुद्ध हूँ। माने आप लिखो, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न। अब क्यों भिन्न, उसका कारण लिखो। बाकी तो सब समझ में आया कि भाई शरीर से भिन्न है, रात से भिन्न है, संवर निर्जरा पर्याय से भी भिन्न, तो कहते हाँ क्योंकि लिखो ये सारी पर्याय एक समय की और मैं त्रिकाल, इसलिए संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है इसलिए शुद्ध है, ठीक है ना। ऐसा भिन्न कहकर दिगंबर संतों ने अंदर के रहस्य को व्यक्त कर दिया, ऐसी बात अन्यत्र है ही नहीं, कहीं आपको ऐसी बात मिलेगी नहीं। दुनिया तो कहेगी कि शरीर से आत्मा भिन्न तो सबको दिखाई दे रहा है, परंतु जैन धर्म एक ही धर्म है, कौन क्या बताएगा कि निर्मल पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा क्यों भिन्न है? कारण एग्जैक्टली, वो पर्याय है एक समय की है और मैं कैसा हूँ, ठीक है, कारण समझ में आ गया।
आहा जगत का भाग्य है कि ऐसी वाणी अवशेष रह गई। आप लिखना हम चक्रवर्ती से भी अनंत गुना पुण्य बांध कर आए हैं तो हमें क्या मिली, ये वाणी सुनने मिली। ठीक है, वाणी मिलना ही बहुत दुर्लभ। गुरुदेव कहते थे काने पड़वी पण दुर्लभ, ये शुद्धात्मा की बात कान में पढ़नी भी एक काल में क्या है, दुर्लभ है। हम बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, हम बहुत, हमारी भली होनहार है ना, इसलिए हमें ये बात मिली। जिसकी भली होनहार नहीं है उनको ये बात नहीं मिलेगी, और जिनकी भली होनहार है उनको ये बात मिल गई। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बाद अंतिम प्रश्न आ जाएंगे हम, 15 नंबर का प्रश्न। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, इस प्रकार आप आत्मा के गुणों का विशद व्याख्यान करते हो, परंतु वह भगवान चला कहाँ गया। देखो कितना सुंदर प्रश्न है ना, आप तो इतना बता रहे हो भगवान आत्मा आनंद का धाम, गोदाम, शक्ति का संग्रहालय, कितनी महिमा गुरुदेव को, कितनी आहा कितना करते है बीच बीच में ना, एक एक वाक्य पूरा हो तो उनको इतना अंदर से कितना अहोभाव आनंद आता था। तो फिर प्रश्न किया कि भैया आत्मा चला कहाँ गया, दिख तो नहीं रहा हमें। तो फिर जवाब दिया, देखो गुरुदेव ने कहा भगवान तो जा है वही है, भगवान आत्मा तो है, परंतु इस भगवान का इस जीव को भान नहीं। क्या नहीं है इसको, क्या नहीं है इसको, भान नहीं है। माने हाथ में रखा है सोना और उसे पता ही, जैसे वो आता ना कि भाई कोई एक महाराज थे और उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे घर पे भाई बहुत सारे रत्न है, तुम्हें वो घर खोजने पर क्या रत्न मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसका घर वो खोदने लगा, पूरी रात उसने खोदा, परंतु उसे रत्न नहीं मिले। तो वो गया महाराज के पास कि महाराज आपने तो कहा था ना कि रत्न खोद, अरे जो घर खोदने पर मिल जाएगा। तो फिर महाराज ने कहा सुनो, मैंने वो वाला घर नहीं ये घर कहा था, कौन सा घर, निज घर, ये घर खोदने से क्या मिलेगा, रत्न मिल जाएंगे। तो हमारी दृष्टि ये घर पर तो जाती नहीं है ना। इसके लिए गुरुदेव आपको पता है स्वयंभू रमन समुद्र का दृष्टांत देते हैं कि स्वयंभू रमन समुद्र है ना, उसके तल में रेत नहीं है, रत्न है, रत्न। ऐसे भगवान आत्मा में राग नहीं है परंतु क्या है, अनंत गुण रूपी रत्न भरे। ऐसा यहाँ पे कह रहे भगवान तो जहाँ है वहाँ ही है, परंतु इस भगवान की क्या नहीं है, भगवान की दृष्टि नहीं है, भान नहीं है, इसीलिए दृष्टि में आता। स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा है। अब आप एक भेद कर लो, परमात्मा के दो भेद, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, कारण और कार्य। तो कारण के नीचे लिखो जो त्रिकाल टिकने वाला अनंत गुणों का गोदाम, बराबर, वो है कारण परमात्मा। और ऐसे कारण परमात्मा की दृष्टि करने पर जो पर्याय में प्रकट होता है परमात्मा पना, उसको कहते हैं कार्य परमात्मा। फिर से कारण और कार्य, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा माने, कारण परमात्मा माने त्रिकाल रहने वाला तत्व, त्रिकाल रहने वाला तत्व, वो कारण परमात्मा। और कार्य परमात्मा लिखो अरहंत और सिद्ध भगवान, अरहंत और सिद्ध भगवान। ठीक है ना, अरहंत और सिद्ध भगवान। अब कारण परमात्मा स्वयं कारण परमात्मा है, स्वयं ऐसा जिसको हृदय, हाँ, कार्य परमात्मा माने कारण परमात्मा के स्वीकार होने पर जो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होता है उसको कहते कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा में एग्जाम्पल लिखो सब जीव, कारण परमात्मा सब है दिखो से लेके सिद्ध, परंतु कार्य में कौन जाएंगे, अरहंत और सिद्ध। ठीक है ना, कार्य परमात्मा पर्याय रूप भाव और कारण परमात्मा द्रव्य रूप भाव, ये भी एक डिफरेंस है, द्रव्य रूप भाव और पर्याय रूप भाव। कारण परमात्मा अनादि अनंत, देखो बहुत सारे डिफरेंस के पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ये अनादि अनंत, और कार्य परमात्मा सादी अनंत, सादी अनंत। कारण परमात्मा इज इक्वल टू जीव तत्व और कार्य परमात्मा इज इक्वल टू मोक्ष तत्व।
कारण परमात्मा इज इक्वल टू पारिणामिक भाव और कार्य परमात्मा इज इक्वल टू शायिक भाव। आ गया समझ में? बराबर। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा है, ऐसा जो जिसके हृदय में जमता है माने रुचता है, रुचता अच्छा लगता है, रुचता है विश्वास होता है, उसी को कारण परमात्मा है। परंतु जिसको ऐसा जमता ही नहीं है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, उसके लिए कारण परमात्मा कहा। इसलिए तो गुरुदेव कहते थे कि भाई आत्मा होने के बावजूद भी हलता चलता मुर्दा है ना। मछली है पानी में मछली है परंतु है प्यासी, ऐसे मैं स्वयं हूं कौन? कारण परमात्मा। परंतु मुझे मेरा कारण परमात्मा जमता नहीं है तो मेरे लिए कोई कारण परमात्मा है ही नहीं। बराबर। इसलिए गुरुदेव ने कहा उसको तो राग और अल्पज्ञ ही है, क्योंकि उसको कारण परमात्मा दिख नहीं रहा। उसको तो क्या दिख रहा है? राग। और उसको क्या दिख रहा है? अल्पज्ञ है ना, क्योंकि वो अपने आप को पामर मान के बैठा ना। उसे लगता है कि भाई मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ। उसे क्या नहीं दिख रहा है? कारण परमात्मा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए कारण परमात्मा है ही नहीं। उसको तो राग और अल्पज्ञता ही है। जिसको कारण परमात्मा का विश्वास जमता है उसी को कार्य रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। अब जिसको इसका विश्वास आया उसको ही पर्याय में क्या होगा? कार्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे लिंडी पीपर में शक्ति तो है, 64 पूरी ठिकास तो है, परंतु वो प्रकट कब होगी? उसको घिसने पर होगी ना। ऐसे शक्ति तो हमारे पास है, परंतु शक्ति का विश्वास करे तो वो शक्ति की क्या होगी? व्यक्ति होगी, है ना। गुरुदेव कहते थे शक्ति नहीं व्यक्ति था, प्राप्त की प्राप्ति होती है। ये ऐसा हम विश्वास करें अपने आत्मा का तो हम भी पर्याय में क्या बन सकते हैं? कार्य परमात्मा भगवान बने बिना रहेंगे। यार आज हमने कौन कितने प्रश्नों से कितने प्रश्नों तक किया? 9 प्रश्नों से लेकर हमने 15 नंबर के प्रश्न तक देख लिया। बराबर। आगे बढ़ेंगे हम कल 16 नंबर के प्रश्नों से इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताई अब अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अनंत अनंत कार्य कांड देव की, जिन शासन जयंत की।